सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं साम्यावस्था क्या होती है। साम्यावस्था का मतलब कि एक समान अवस्था, उसी अवस्था में वापस आ जाना। जैसे कोई भी वस्तु है या कोई रबर है, उसको हम खींच के छोड़ दें, बस समझ में आ रही है, उसको हम खींच के छोड़ दें तो वापस अपने स्थान पे आ जाता है। तो इसको कहते हैं कि थोड़ी भी अगर अस्थायित्व उत्पन्न होता है, थोड़ा भी असंतुलन होता है, तो वापस अपने स्थान पर वो आ जाता है, तो उसको कहते हैं वायुमंडल की साम्यावस्था। ना जब वायुमंडल में इस तरीके से घटनाएं चलती हैं, वायुमंडल हमेशा जो है एक अवस्था में एक समान रूप से बना रहे, तो इसको बोलते हैं वायुमंडल की साम्यावस्था। अब साम्यावस्था का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो साम्यावस्था के निर्धारण को समझने के लिए हम समझेंगे रुद्धोष्म परिवर्तन को। रुद्धोष्म परिवर्तन को, ठीक ना, रुद्धोष्म परिवर्तन यानी कि एडियाबेटिक चेंज। रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है समझो, ये कोई वायुपुंज है, इसमें बाहर से अंदर उष्मा न तो आ रही है और न ही अंदर से बाहर उष्मा जा रही है। तो बाहर से ना तो अंदर की तरफ किसी प्रकार का संचरण हो रहा है हीट का या किसी भी चीज़ का, और अंदर से बाहर की तरफ भी नहीं, ना तो अंदर से बाहर और ना ही बाहर से अंदर। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं रुद्धोष्म परिवर्तन। अगर हम ताप की बात करेंगे, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, ठीक ना, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। अगर हम ताप की बात करें कि बाहर से न तो उष्मा ली गई और न ही अंदर से उष्मा बाहर की तरफ दी गई, न तो हम बाहर से उष्मा ले रहे हैं और ना ही अंदर से बाहर उष्मा दे रहे हैं, इस प्रकार से होने वाला परिवर्तन होता है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। ठीक, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन के भी दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा, शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन। ध्यान से इसको बिल्कुल समझना है, है ना, ड्राई एडियाबेटिक चेंज। शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है, जब कोई भी वायु राशि या तो ऊपर उठती है या तो नीचे आती है, या तो उसका आरोहण होता है या तो उसका अवरोहण होता है, और इस प्रकार से उसके तापमान में प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है कम हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर तापमान में क्या होती है, कमी होती है, तो इसको बोलते हैं शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन, ड्राई एडियाबेटिक चेंज। अगर हम इसको फारेनहाइट में देखें तो 5.5 डिग्री फारेनहाइट प्रति 1000 फीट में हम इसको देखेंगे। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन। जो दूसरा होता है वो होता है आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन। आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन, आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है, वायुपुंज के ऊपर उठने की वजह से उसके तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की कमी होती है। तो इस प्रकार से होने वाला परिवर्तन क्या होता है, आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन होता है, ठीक ना। यानी कि जिस दर से वायु का शीतलन होता है ऊपर उठते समय, क्या होता है, वायु का शीतलन, वायु के शीतलन की दर, अगर हम कहें वायु के शीतलन की दर ही क्या होती है, आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन होती है। तो वायु के शीतलन की यह दर क्या होती है, 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन के दो भाई हो गए, ठीक ना, दो लड़के हो गए, एक हो गया शुष्क वाला, है ना, और एक हो गया आर्द्र वाला। तो बड़ा है भाई, तो इसका टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। तो एक शुष्क और एक आर्द्र, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन के दो लड़के हो गए, बात समझ में आ रही है। तीसरा होता है जो नालायक हो जाता है, तीसरा होता है जो क्या होता है, जिसको हम नालायक बोल देते हैं ना,
वो क्या होता है समझिए, वो होता है अति रुद्धोष्म, ताप ह्रास दर, अति रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, यानी कि सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, अति रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। अब ये क्या है, जब तापमान का ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन से अधिक हो, है ना, जब सामान्य ताप ह्रास दर, अच्छा एक चीज और समझ लो यहां पे, सामान्य ताप ह्रास दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, सामान्य ताप ह्रास दर कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर सामान्य ताप ह्रास दर होता है, यानी कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर, है ना। धरातल से अगर हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मीटर में अगर 1000 मीटर में हम लिखें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान 1000 मीटर ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या, सामान्य ताप ह्रास दर। ये क्या है, सामान्य ताप ह्रास दर है, क्लियर, समझिए। जब सामान्य ताप ह्रास दर का मान, ठीक ना, अति रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से भी, सर जब सामान्य ताप ह्रास दर का मान शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन से ज़्यादा हो जाए, शुष्क रुद्धोष्म ताप से अधिक हो जाए, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं अति रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक ना। जब सामान्य ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन से भी अधिक हो जाए तो इसको बोलते हैं अति रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। हाँ, उससे ज़्यादा हो जाए, हाँ इससे भी ज़्यादा हो जाए, जैसे नॉर्मल कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर है, और ये कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर है, इससे भी ज़्यादा हो जाए तो वो होता है अति रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, ठीक। अब समझिए, जब वायुमंडल की साम्यावस्था की बात करते हैं तो यही चीज़ें क्या होती हैं, साम्यावस्था को निर्धारित करती हैं। वायुमंडल की गतियाँ दो प्रकार से होती हैं, एक होती है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर चलने पर बहुत अस्थायित्व तो नहीं आता है, लेकिन जब, है ना, सोचो क्षैतिज चलने पर बहुत ज़्यादा अस्थायित्व तो नहीं आता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर चलने पर अस्थायित्व तो आता है। जब ऊपर नीचे वायु चलेगी तो वायु के दाब में कमी होगी, जब वायु ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो तो उसके दाब में क्या होगी, कमी होगी, और जब वायु ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो तो उसके वायु दाब में क्या होती है, कमी होती है, और वायु दाब में कमी ही रुद्धोष्म परिवर्तन का एकमात्र कारण है। हाँ, गर्म या ठंडी कोई भी हो, चाहे उष्ण हो चाहे शीत हो, उसके ताप में परिवर्तन होने का एकमात्र कारण, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, रुद्धोष्म परिवर्तन का एकमात्र कारण क्या होता है, दाब में कमी या दाब में परिवर्तन। इसी प्रकार से हमने बताया था कि राखी पर्वत से उतरने वाली जो हवा होती है चिनूक, वो शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन का सामना करती है, क्यों करती है, क्योंकि जब नीचे आती है तो उसका दाब में उसके दाब में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है कि वो गर्म हो जाती है। उसी तरीके से एक और हवा है फान, ऊपर से चिनूक क्या है, हिमबच्छी बोला जाता है चिनूक को, जब ऊपर से नीचे आती है तो बर्फ़ से नीचे आ रही है ना, लेकिन बर्फ़ को पिघला देती है, फिर भी गर्म, मतलब गर्म होती है, बर्फ़ को पिघला देती है, तो वहाँ भी शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है और उसके दाब में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आए कि रुद्धोष्म ताप परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होता है दाब में परिवर्तन के कारण, दाब अगर प्रज्वलित नहीं होगा तो रुद्धोष्म परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और दाब में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, वायु की ऊर्ध्वाधर गति के कारण, क्योंकि ऊपर नीचे वायु का जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वायु का घनत्व और दाब दोनों क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, क्लियर है, इतना ये बात समझ आ रही है, ठीक।
अब यहाँ से देखिए, वायु साम्यावस्था में रहती है जब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ से ये दो शब्द देखिए, एक होता है वायुमंडल अस्थायित्व, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, और दूसरा होता है वायुमंडल अस्थायित्व, यानी कि एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। अस्थायित्व को समझ लेते हैं सबसे पहले। जब सामान्य ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन से कम रहता है, समझिए, जब सामान्य ताप ह्रास दर यानी कि ये 6.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना, ये कभी भी शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन से ज़्यादा ना हो, यानी कि वायु में जो वायु का जो ताप ह्रास दर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कभी भी ज़्यादा ना हो, तो इस प्रकार से वायुमंडल में क्या बना रहेगा, अस्थायित्व तो बना रहेगा। कोई आंधी नहीं चलेगी, कोई तूफान नहीं आएगा, कोई बर्फबारी नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, बात समझ आ रही। और वायुमंडल में अस्थायित्व यानी कि इनस्टेबिलिटी कब आ जाती है, जब सामान्य ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन से भी ज़्यादा हो जाता है। याद रखिएगा, जब सामान्य ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन से भी ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वायुमंडल में अस्थायित्व इनस्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। जब कम रहता है तो अस्थायित्व रहता है, वायुमंडल साम्यावस्था में यानी कि इक्विलिब्रियम में बना रहता है। अब कुछ इसके टर्म हैं, उन टर्म्स को, उन चीज़ों को क्या करना है, समझना है, ठीक ना। तो एक एक करके कुछ और इसमें टर्म आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल के अस्थायित्व में कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक ना। पहला है परम अस्थायित्व। परम अस्थायित्व क्या होता है, यानी कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की कंडीशन तब आती है जब वायुमंडल की प्रत्येक परत, प्रत्येक स्तर वायुमंडल का 4.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर से ज़्यादा ताप परिवर्तन न हो रहा हो, तो ऐसी दशा में वायुमंडल में जो अस्थायित्व उत्पन्न होता है, जो साम्यावस्था रहती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। इस दशा में किसी भी प्रकार का कोई भी बहुत ज़्यादा मौसम परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, हमें इस दशा में टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर इन्वर्जन यानी कि ताप व्युत्क्रमणता, ठीक ना, ताप व्युत्क्रमणता देखने को मिलती है, ठीक ना, यानी कि तापमान ताप विलोमता देखने को मिलती है, तापमान उल्टा हो जाता है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ताप क्या होता है, बढ़ने लगता है घटने की बजाय, जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटने के बजाय बढ़ने लगे, तो इसी को बोलते हैं ताप विलोमता या ताप व्युत्क्रमणता, क्लियर है। तो परम अस्थायित्व कब होगा, जब सामान्य ताप ह्रास दर 4.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर हो। इसके अलावा दूसरा है परम अस्थायित्व, ठीक ना, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। परम अस्थायित्व कब उत्पन्न हो जाता है, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी कब आती है, जब कभी भी किसी भी समय सामान्य ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन से कम हो ही ना, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर से कम कभी भी ताप ह्रास दर ना हो, तो हमेशा जो है कि अस्थायित्व बना रहेगा, हमेशा चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी, बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। तो अस्थायित्व कब होगा, जब 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना रहता है, वायु का ताप ह्रास दर इतना बना रहता है, तो बहुत ज़्यादा हमें मौसम में बहुत ज़्यादा तापमान में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। और परम अस्थायित्व क्या होता है,
कभी भी सामान्य ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन से कम ना हो, ज़्यादा ही रहे, तो उसको बोलते हैं परम अस्थायित्व तो हो गया है, एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी हो गई है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ समझिए, यांत्रिक अस्थायित्व। यांत्रिक अस्थायित्व यानी कि मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी क्या होती है, मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी क्या होती है? तो मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी में जो ताप ह्रास दर होता है, नोट कर लीजिएगा, 35 डिग्री सेल्सियस प्रति हजार मीटर होता है। तो इतना ज़्यादा ताप परिवर्तन हो, इतना 35 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, यांत्रिक अस्थायित्व बोलते हैं। और इसी दशा में उत्पन्न होते हैं टार्नेडो जैसे तूफान। क्या उत्पन्न होते हैं? टार्नेडो, एकदम भयंकर वाला, सर्वाधिक विनाशकारी तूफान है टार्नेडो। जब यांत्रिक अस्थायित्व होता है यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस प्रति हज़ार मीटर से भी ज़्यादा ताप में परिवर्तन होता, ह्रास दर प्रति हज़ार मीटर 35 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो ऐसी दशा में टार्नेडो जैसे तूफान उत्पन्न होते हैं। इस अस्थायित्व को बोलते हैं मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी, यांत्रिक अस्थायित्व। क्लियर है? चौथा प्रकार क्या है? प्रतिबंधी अस्थायित्व। यानी कि कंडीशनल इनस्टेबिलिटी, कंडीशनल इनस्टेबिलिटी क्या होती है? देखिए, प्रतिबंधी अस्थायित्व उस दशा को कहते हैं जब शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन और आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन के बीच में तापमान बना रहता है, यानी कि शुष्क यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस और आर्द्र यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके बीच में बना रहता है। तो इस प्रकार की जब अस्थायित्व उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं प्रतिबंधी अस्थायित्व। ध्यान दीजिएगा, परम अस्थायित्व यानी कि अस्थायित्व आता है कब, जब 6 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान नीचे आ जाता है, तो अस्थायी मानते हैं, 4.6 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, है ना, उसमें परिवर्तन उससे नहीं। और प्रतिबंधी अस्थायित्व ये स्टेबिलिटी है और ये इनस्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है। 10 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर तापमान रहेगा तो इसको बोलते हैं ताप ह्रास दर रहे, अगर प्रति हज़ार मीटर की बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रतिबंधी अस्थायित्व। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझने के लिए होती हैं, ठीक ना। तो एक एक करके सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो वायुमंडल की साम्यावस्था को बताती है। प्रतिबंधी अस्थायित्व की दो शर्तें भी हैं, प्रतिबंधी अस्थायित्व की दो शर्तें होती हैं, ठीक। पहली बात क्या है, नोट कर सकते हैं इसको, कि पहली बात क्या है कि वायु की परतों में आर्द्रता का भिन्न वितरण हो। पहली कंडीशन प्रतिबंधी अस्थायित्व उत्पन्न होने का कि वायु की परतों में आर्द्रता का वितरण भिन्न हो। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि वायुपुंज अधिक ऊंचाई पर हो, वायुपुंज क्या हो, अधिक ऊंचाई तक विस्थापित हो जाए। तो प्रतिबंधी अस्थायित्व की दो कंडीशंस भी होती हैं, पहला परतों के बीच आर्द्रता का वितरण हो भिन्न भिन्न, और दूसरा वायुपुंज का अधिक ऊंचाई तक विस्थापन हो, अधिक ऊपर तक वायुपुंज चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो है प्रतिबंधी अस्थायित्व की स्थिति आ जाती है। क्लियर है? बाकी सब इस प्रकार से रहता है। एक और बचा हुआ है, समझ लो उसको। जो पांचवा अस्थायित्व है वो है संवहनी अस्थायित्व। संवहनी अस्थायित्व, संवहनी अस्थायित्व यानी कि कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी। कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी क्या होती है? कभी कभी जब वायु का ऊपर की तरफ आरोहण हो रहा हो, कभी कभी वायु का ऊपर की तरफ आरोहण हो रहा हो, जो ऊपरी वायु होती है, जब वायु ऊपर चलती है तो जो ऊपरी वायु होती है इसका शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन होता है, जो निचली वायु होती है इसका आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन होता है। तो इस दशा में संवहनी अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसे इनस्टेबिलिटी को हम कन्वेक्टिव यानी कि संवहनी अस्थायित्व बोलते हैं।
होता क्या है इसमें, ऊपरी वायु और निचले वायु के बीच में, ऊपरी वायु और निचले वायु के बीच में उनके तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार से संवहन अस्थायित्व उत्पन्न होता है। हाँ कुछ भी हो, लेकिन जो वायु ऊपर जा रही हो तो ऊपर वाले वायुपुंज के भाग में शुष्क रुधोष्म परिवर्तन हो रहा हो, शुष्क रुधोष्म परिवर्तन का मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से ताप ह्रास दर हो रहा हो और नीचे वाले में 6 डिग्री सेल्सियस से ताप ह्रास दर हो रहा हो, तो इस तरीके से इनके ताप में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार के अस्थायित्व को बोलते हैं संवहनी अस्थायित्व। क्लियर है? तो ये कुछ पूरा था वायुमंडल की साम्यावस्था के बारे में, कौन कौन से वर्ड इसमें लिए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने क्या किया है, अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग करके एक एक विषय एक एक चैप्टर कवर करते जा रहे हैं, एक एक विषय एक एक चैप्टर धीरे धीरे कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। ठीक ना, तो भूगोल के ऐसे ही सारे विषय सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आगे भी। तो ये क्लाइमेटोलॉजी का, हमको लगता है कि क्लाइमेटोलॉजी अब अगले 4 क्लासेज में ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक ना, तो इसको समझ लेना है, ध्यान में रखना है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की आर्द्रता के बारे में। ठीक ना, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, और इस एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आर्द्रता क्या होती है, कितने उसके भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे, और फिर मेघ क्या होते हैं, कुहासा क्या होता है, कोहरा क्या होता है, धुंध क्या होता है, और बादलों के प्रकारों को भी हम लोग क्या करेंगे उसमें समझ लेंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक ना।